खबर शामिल करते हैं मोरो सिंध से, जहां हमारे मीडिया न्यूज एचटी के रिपोर्टर सिंधी अल्ताफ सुमरो की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मोरो दे बनाई गांव आमर के रिहायश पजीर शहजादो आमिर अपनी बूढ़ी माँ और मासूम बच्चों समेत भाइयों की जानिब से जायदाद और जरई जमीन पर मुबैना कब्जा करने और संगीन नतायज की धमकियां देने के खिलाफ शिकायत लेकर इंसाफ के हसूल के लिए नेशनल प्रेस क्लब मोरो की ऑफिस पहुंचे। एहतजाज करते हुए शहजादो आमिर ने रोते हुए दर्द की दास्तान खोल दी और कहा कि हमारे वालिद ने मुझे और मेरे भाइयों को जरई जमीन और जायदाद के हिस्से बांट कर दिए थे। मेरे भाइयों पंगल आमिर, माजिद और गुलाम हैदर आमर ने अपने हिस्से की जायदाद और जरई जमीन जुआ मुनशियात सूद और दीगर बुरे कामों में उड़ा डाली। अब मेरे भाइयों ने असलहे के जोर पर मेरे घर की जगह पर कब्जा जमा लिया है और बासर शख्स उबैदुल्ला आमर ने मेरी एक एकड़ जरई जमीन पर कब्जा जमा लिया है। कब्जा खाली करने का कहने पर मुझे और मेरे घर वालों को मौतमार और संगीन नतायज भुगतने की धमकियां दे रहे हैं। शहजादो आमर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नौशरो फेरोज, डीआईजी शहीद बेनजीराबाद, एसएसपी नौशरो फेरोज, डीएसपी मोरो, एसएचओ दर्ज पुलिस स्टेशन और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मेरी जरई जमीन और जायदाद पर किया हुआ कब्जा खत्म करवाकर कब्जागीरों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके मुझे तहफ्फुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए।